राम राम जी भाई, मैं आपको अपना राजा गुजर, हरियाणा कलाकार। भाई आप सबे पता होएगा, कल 26 जनवरी वाले दिन कुछ ठीक ना हुआ। आप सबे पता होएगा कि लाल किले पे तिरंगा की जगह कोई और झंडा फहराओ, यू भाई बहुत गलत चीज है। हमारे किसानन का झंडा लग जाता तिरंगा के साथ तो ठीक ही, मगर जो यू दूसरा झंडा लगाओ ना, यू भाई बहुत गलत है। और देखो, हमें मुझे तो बहुत बुरा लगा, हमारे जितने भी देशवासी, जितने भाई यहाँ वीडियो देख रहे हैं, उन्हें भी यह चीज़ की अकल होएगी कि भैया हमारे देश को सिर्फ एक ही झंडा तिरंगा। अगर या तरीका सु झंडा लगन लगे तो भाई ये चीज़ तो गलत हो जाएगी। राजस्थान वाले तो अपना झंडा लेके आएंगे, हरियाणा के अलग लेके आएंगे, यू पंजाब को झंडा है जो यहाँ लगा या मैं लाल किले पे, ठीक है ना, और यूपी वाले अलग लेके आएंगे, ठीक है, बंगाली अलग लाएंगे, मद्रासी अलग लाएंगे, मतलब सब तरह के फिर अलग अलग लगा के यार झंडा लगेंगे क्या यार दे हमारे मतलब लाल किले पे। और यह वीडियो भी देखो, जो वीडियो मतलब जो वायरल हो रही है ये, या ना भैया ये चढ़ाओ ऊपर, ऊपर चढ़ के, या ना देखो नीचे, यू हमारा तिरंगा, ए तिरंगा पकड़ो और तिरंगा फेंक दियो, और ऊपर जाके भैया दूसरा तिरंगा इनको लग रहा जो, ठीक है, यू कहो को सिस्टम भैया, यू कहो को किसान को आंदोलन हो रहा भैया हमारा जो, और क्या हो रहा यू, ये तो भैया सीधी सीधी मतलब पंजाब वाला सिस्टम अलग ही हो जाएगा का, मतलब भाईचारा हो या कोई ऐसी चीज ना रहेगी। और दूसरी चीज जो खालिस्तानी वाला सिस्टम हो रहा है, ये वीडियो कौन सु बन रही है और कौन इन्हें बना रहा भैया। झंडा जिथे ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹੀ ਝੰਡਾ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ 1984 ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕ ਚਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਮਲਬੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਨਾਤਾ ਇਸ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਢੇਰ ਦੇ ਪੈ ਟੁਕੜੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਦੇ ਵਾਧੂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਧੂ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੀ ਉਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲੂਮਾਂਗਾ ਝੰਡਾ, ਮੈਂ ਫੂਕਾਂਗਾ ਝੰਡਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਪੁਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਝੰਡਾ ਫੂਕ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਪਾਪੀ ਝੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ। ਆਓ ਸਿੰਘੋ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੂਹੀਏ, ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਝੰਡਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਚਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। भाई आप सपने देख लियो ना, तो भाई सिकन को झंडा ले रहे कहीं भी पूरे देश में, पंजाब में लहर सके, हमारे यहाँ दिल्ली में नो ले रहे गो। अभी तक तो सिस्टम बस इतना है कि चलो ठीक है भाई, किसान आंदोलन है, हम खुद किसान है, हम सपोर्ट कर रहे हैं भाई, हमें कोई दिक्कत ना है। पर यह झंडा के दिमाग जो है ना यार लिकाट दीजिए कि भाई ये सिकन को झंडा सारी दुनिया में ले रहे गो, सिर्फ एक झंडा ले रहो या पूरी दुनिया में तिरंगा, और उई ले रहे गो, ठीक है ना, आंदोलन है, आंदोलन की तरह चलन दो। और भाई सारे किसान भाई अंत रिक्वेस्ट है कि जितने भी खालिस्तानी बन के जो वीडियो बना रहे हैं, भाई हम खालिस्तानी और या झंडा लहराओ और ये करो वो करो, भाई ये ही लोग हमारे देश में फूट फैला रहे हैं। सारे के सारे भाई ध्यान रखो, जितने भी हमारे किसान भाई बॉर्डर पे बैठे हैं, भाई पूरा सपोर्ट है मेरा भी, ठीक है, अपने सारे किसान भाइयों की गेल, मगर जो ये खालिस्तानी वाला सिस्टम बैठ रहा हो ना भाई, इन सब ने निकाल के बाहर फेंक दो और अपने भैया सिस्टम तरीका तो चलन दो जो बात है। और भाई अपना ध्यान रखो, अपना सब तरीका तो मामले सेट रखो,
ठीक है ना। और जो जो यू हुआ हो ना अब के 26 जनवरी पे भाई, ये बहुत ज्यादा गलत हुआ। झंडा लहरना हो मगर किसानन को साथ लहर जाता ना हमारे तिरंगा के साथ, तो ठीक हो। और या बात के बहम में मत रहिए भाई, प्रशासन हमारा सारा हट गो और झंडा लहरा के चले गए कोई बात ना, क्योंकि हमारा सिस्टम इतना, हम कोई भी देशवासी कोई भी इसी वजह से नहीं आया सामने, क्योंकि हम किसान हैं, किसान के साथ है, इसी वजह से कोई ना आया। या बहम में लिखाड़ दियो झंडा दोबारा लहर जाएगा, अब क्या लहर गो है मगर दोबारा ना लहरेगा ये झंडा तिरंगा। अगर सोचते हम भी सोचते भाई किसानन को झंडा ले रहे को पर लगो दूसरा वाला झंडा, तो भाई आप एम ए लिखाट दियो सारे के सारे जितने भाई आप वीडियो देख रहे हैं, और शेयर कर दीजिए यहाँ भी, और सारे भाई वीडियो बनाइए या चीज के बारे में कि भाई देश को झंडा है, देश को ही झंडा फहरेगा वहाँ पे लाल किले पे, और किसको झंडा ना फहराओ ना फहरेगा, ठीक है ना भैया। ध्यान रखियो आगे थे, और जितने भी हमारे जितने भाई किसान भाई बैठे हैं ना, तो भाई तरीका तो आंदोलन चलन दो, कोई दिक्कत ना। और हमारे मोदी जी से भी रिक्वेस्ट है, जितना जल्दी फैसला हो जाए जी वह अपनो कर लो, जितना भी अपनो बन जाए अपना, क्योंकि इन चीज़न पर ज़्यादा फूट फैल रही हैं और ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत दिशा में जा रही है। क्योंकि ये जो झंडा फहरा है ना यासु, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है हर देश के नागरिक को, हर हिंदुस्तानी को, क्योंकि हमारे देश का झंडा सिर्फ एक ही है और वो पता हो तिरंगा। तिरंगा के अलावा ना कोई झंडा फहरा ना कोई कभी फहरेगा। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो भी शेयर कर दीजिए, और किसी भी किसान भाई के लिए ये कोई वीडियो नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ खालिस्तानी इनके वीडियो है जो कि झंडा फहराने की सोच रहे हैं, और जो वीडियो बन रही है ये तो इनन के लिए वीडियो भाई। या चीज़ है ना खालिस्तानी, जितने भी आप देख ले या पहुँच जाए ना वीडियो, तो ध्यान में रखियो, ठीक है ना। झंडा सिर्फ एक है और एक ही रहेगा, दूसरा झंडा ना फहरा है और ना फहरेगा, ठीक है। राम राम जी।